बुजुर्ग दोस्तों और अजीज बच्चों, बच्चों को देखते हैं तो ऐसी हरियाली मालूम होती है जैसे आदमी किसी खेत में देख करके हरियाली खुश होता है। तो ये बच्चे हमारे खेती है, दीन की खेती के है, ये ऐसी खेती है जो हरियाली नजर आती है, ये आगे बढ़ कर के ये दीन की खेती है और ये आगे बढ़ के दीन की खिदमत करेंगे। ये बच्चे ये खेत की हरियाली है, तो जैसे जमींदार खुश होता है अपने खेत को देख करके, ऐसे कभी बच्चों को देखते हैं तो हमें खुशी होती है। मगर अफसोस जब होता है जब इन बच्चों की तरबियत नहीं की जाती। मुसलमानों का मसला ये है कि बच्चों को बच्चा समझ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही गलती रहती है। ये 8-10 साल का जो बच्चा होता है ये तरबियत का वक्त है इसका। अभी से अगर तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी गई तो ये बच्चे ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं, ये दीन के फौजी बनेंगे। अभी ये बच्चे मालूम हो रहे हैं मगर तरबियत शर्त है। और ये जो 8-10 साल का इनका जो वक्त है, ये पीरियड है, ये बड़ा कीमती पीरियड है। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जब हम कोई बात करते हैं या उनको कोई नसीहत करते हैं या किसी और से बात करते हैं तो ये बड़े गौर से देखते हैं। देखा होगा बच्चा बहुत गौर से देखता है। माँ बाप धमकाता है तब भी, और माँ बाप उनसे जब खुश होता है तो उसको बड़े गौर से देखते हैं। ये बच्चे जो गौर से देखते हैं, हम ये समझते हैं कि तो बच्चा है, नहीं ये कोई चीज़ ले रहा है भाई, ये एक इसकी दुनिया है, लड़कपन इसकी दुनिया है, तो वो कोई चीज़ हासिल कर रहा है। आप बात करेंगे बोलेंगे हैं तो उस बोल को भी ये सलीके से देखते हैं, सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, अब्बा बोल रहे हैं, अम्मा बोल रही है, कैसे बोल रहे हैं, क्या लबो लहजा है, वो सारा का सारा ये अपना जैसे एक नेट होता है उस पर वो जैसे उसको क्या कहना चाहिए, टेलीकास्ट कहते हैं, रिकॉर्ड। तो ये बच्चे अपने सीने में अपने दिल में ये रिकॉर्ड करते हैं उसको, उस नकलो हरकत को, वालिदैन की नकल हरकत को, जो उनके पास मिलने आता है उसकी नकलो हरकत को, कौन कौन कैसे आते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, क्या उनकी अदा है, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं। ये छोटे जो हम तो उनको छोटा बच्चा समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, नहीं नहीं वो अपने इस मासूमाना अंदाज से वो कुछ हासिल कर रहे हैं, अपने दिल में अपने सीने में उसको बिठा रहे हैं। ऐसा तो अगर इनकी तरबियत पर गौर नहीं किया गया और इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और दूसरी सोसाइटी का जिसमें ये जाते हैं उसका हमने ख्याल नहीं किया, नोटिस नहीं लिया कि ये किस किन बच्चों के साथ ये खेलते हैं, किन बच्चों के साथ ये पढ़ते हैं, अगर इसका हमने ख्याल नहीं किया तो ये बच्चे हमारे उसी सोसाइटी में मिल जाए। तो मुसलमानों में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि मेहनत करते हैं, पढ़ाते भी हैं, दीनियात पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और फिर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल के बाद का अगला जो इनका मरहला है वहाँ इनको खुला छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है ईमान, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो ये वक्त आया है, वो ज़रा ज़रा सी बात को वो अपने जैसे रिकॉर्ड करते हैं तो इनका इनकी आँखें बाकायदा, इनके कान, ये सब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करते हैं ये। तो अब दूसरी सोसाइटी में जा करके अपने आप को सोसाइटी के अंदर अपने ढालने की कोशिश करेंगे, इधर माँ बाप ने रस्सी इनकी ढीली छोड़ दी और उधर ये चले गए तो उनकी नकलो हरकत इनमें आ जाएगी। इस वास्ते बेहतरीन जलीस साले जलीस वो जो सोसाइटी में मोमिन
कि जो सोसाइटी है उसमें रंग जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए आए, आपने फरमाया कि दो किस्म के लोग होते हैं, बैठक में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो सालेह इंसान होता है, एक बदखुल्क बदअखलाक बुरा आदमी होता है। अपने फरमाया कि बेहतरीन जलीस, सालेह जलीस की मिसाल ऐसी है जैसे इत्र फरोश की मिसाल, इत्र मुश्क कोई बेच रहा हो तो उसके पास अगर निकलेगा तो, अगर इत्र नहीं खरीदेगा, मुश्क नहीं खरीदेगा तो कम से कम उसके खुशबू जरूर महसूस करेगा। अगर उधर के निकल भी गया तो खुशबू तो आएगी उसको। और बुरे आदमी की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई लोहार हो और वो फुकनी से अपनी भट्टी गर्म कर रहा हो और उससे राख उड़ उड़ करके बाहर निकल रही हो, तो उधर से जब निकलेगा वो तो बच के निकलेगा, तब भी कम से कम उसकी बदबू आएगी। और ये भी हो सकता है कि कोई चंगारी उड़ करके उसके कपड़ों को जला दे। ओहो, ये हदीस शरीफ है, इसकी रोशनी में हमें बहुत सारी बातें मालूम होती है। इसी से ये सबक हमें मिलता है कि सोसाइटी का बड़ा दखल होता है। अगर बच्चों की सोसाइटी सही है, अल्लाहु वनी। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि बच्चों को 8-10 साल की उम्र में एक तो सब्र की तलकीन की जाए, बर्दाश्त तहम्मुल इसकी उनको तलकीन की जाए, उन्हें आदत अभी से यह डाली जाए। अगर तहम्मुल बर्दाश्त की और सब्र की इनकी आदत नहीं गई तो जरा जरा सी बात पर ये गुस्सा होंगे, इन्हें गुस्सा आएगा और गुस्से की सूरत ये है कि फिर बिगड़ता ही चला जाएगा। जरा जरा सी बात पर इनको गुस्सा आएगा, जब बड़े होंगे तो छोटे को पीटेगा, मारेगा, धमकाएगा। तो ये बहुत बड़ा खला है हमारे अंदर। इस वास्ते बच्चे को सब्र की तलकीन दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रेहाने आपके नवासे हजरत हसन हजरत हुसैन खेलते खेलते कभी आ जाते थे तो दुआएं देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत को भी तौफीक दे वो इन बच्चों से मोहब्बत करे। अच्छा बच्चा बच्चा होता है, कहीं कोई खजूर मिल गई पड़ी हुई तो बच्चा है फौरन उठाएगा और उसको मुंह में डालेगा। एक दफा हजरत हसन या हजरत हुसैन दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, आगे पीछे गए तो है, हाँ हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े थे, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे, तो इनमें से किसी ने खजूर पड़ी हुई थी यहाँ ले करके मुंह में डाल ली। अच्छा बच्चे का ये कायदा होता है, वो कोई चीज लेकर के मुंह में डालता है। छोटे छोटे बच्चे नन्ने मुन्ने बड़े प्यारे प्यारे, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया है, कख 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 ये अल्फाज हैं हदीस के, ओ निकालो, आशमी खानदान नहीं खाया करता, हो सकता है ये खजूर सदक़े की हो, खैर खैरात की हो, ज़कात की हो, और निकलवा दी उसको उगलवा दी। तो अब जाहिर है कि उससे ये एक सब्र उसको नहीं खाने दिया, इसका मतलब ये कि सब्र की तलकीन हुई है कि हर जगह ऐसे ही नहीं कि जो मिल गया वही मुंह में डाल लिया। तो सब्र की ये तलकीन उसको आगे चल करके रास्ता दिखाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे 13-14 साल के थे, जाहिर है कि वो इस उम्र में खूब समझता है, तरबियत कह रहे हो, तरबियत बच्चे की अभी से हो जाए तो वो क्या कहने साहब, सोने पर सुहाग आए। अब वो आगे आगे ही से आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं, वो आपका बेहतरीन बेटा बनेगा, बेहतरीन साहिबजादा बनेगा,
जो आपका नाम रोशन करेगा और जिंदगी की आपकी जिंदगी को रोशन और ताबनाक बना देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को देख करके बाग बाग हो गए, काफी दिन में आया करते थे। हाँ गया वालदा, उनका बच्चा ही रहता था मक्का मुकर्रमा में, छोड़ गया, लंबा किस्सा है। तो आकर के साहिबजादे से कहा, साहिबजादे बेटे मैंने एक ख्वाब देखा है। अच्छा जाहिर है कि 13-14 साल का बच्चा तो पढ़ाई होता है, खूब समझता है, अरे मौत जहमत को खूब समझता है, वो जुबे होने को भी खूब समझता है, नफे नुकसान को खूब समझता है। कहने लगे बेटे मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें जिबह कर रहा हूं, और नबी का ख्वाब वही होता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म ये है कि मैं तुम्हें जिबह कर रहा हूं, बोलो। तो अब देखिए आप, यानी जिबह होने को इतना बड़ा बच्चा कोई तैयार होता है क्या? अरे भाई वो तो खूब समझता है, 14-15 साल का तो बच्चा बड़ा होता है ना, बहुत समझता है। कहने लगे या अब तिफ़ाल मा तू उमर सच इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, अब्बा जी जो जी चाहे आप करें मैं हाजिर हूँ, मेरी गर्दन हाजिर है, मेरा गला हाजिर है, आप मुझे जिबे कर दीजिए, मैं हर तरह हाजिर हूँ, साबरीन में से पाई गया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जितनी आप सब्र की तलकीन करेंगे अभी से, तो उसे बर्दाश्त करने का, तहम्मुल करने का उसका तरीका आ जाएगा, उसमें वो बर्दाश्त करेगा, जरा जरा इस बात पे वो गुस्सा नहीं होगा, गजबनाक नहीं होगा। बच्चे ज़्यादातर इसी उम्र में इसको सीखते हैं, अगर ये इनकी इस वक्त उम्र इसमें इसलाह नहीं की गई तो ये ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ालू बनेंगे, माँ बाप को भी बदनाम करेंगे और दूसरों से झगड़ करके उलाने की बात करेंगे, काम करेंगे, कदम कदम पर जरा जरा सी बात पर झगड़ा करके और उसका खमियाजा वालिदैन भुगतेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि छोटे से बच्चों को सब्र की तलकीन की जाए, और सब्र का मतलब इनके लिए जरा जरा सी बात पर आदमी इनको ऐसी तलकीन की जाए कि जिद ना करें। जिद से वालदेन, जिद भी जब बच्चे करते हैं तो वालदेन जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनको तलकीन करो, उनको 10-12 साल का बच्चा हो गया तो सब्र की तलकीन करो, तहम्मुल करते बेटा ठीक है अभी जरा लाएंगे। तो ऐसे ही हर बात इनकी मानी ना जाए, जो इनके लिए मुफीद बात है वो मानी जाए, जो उनको वो मुफीद बात उनको सिखाई जाए, और ऐसी जिद इनकी कि जो गलत चीज की जिद कर रहे हैं वो पूरी न की जाए इनकी। बड़ा तरबियत की बड़ी जरूरत है, हमारे मुसलमानों में कमजोरी है कि बच्चों को तरबियत की तरफ ध्यान ही नहीं है। छोटा बच्चा यहाँ होता है, मकतब में पढ़ता है, अभी सिपारा पढ़ा है, फिर सिपारा के बाद में कुरान शरीफ पढ़ लेता है, फिर कुछ दीनियात की किताबें उर्दू वगैरह पढ़ता है, उसके बाद में वो स्कूल के हवाले कर देते हैं, वहाँ जाकर बच्चा बिगड़ता है। तो मास्टरों को क्या पढ़ी, वो तो बस अपने जो उनको काम दे दिया गया वो उसी सिखाएंगे, वो तरबियत थोड़ी देंगे बच्चों को, और तरबियत देंगे तो वो तरबियत देंगे जो उनको तरबियत किसी ने दी है, इस्लामी तरबियत थोड़ी देंगे वो तो वही तरबियत देंगे जो तरबियत उनने सीखी है और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वही तरबियत देंगे, तो बच्चा तो बिगड़ेगा, दीन याद के काम का तो रहेगा नहीं बच्चा। इसलिए बच्चों को देख करके मुझे आज सिर्फ इतना ही अर्ज करना था कि बच्चों की तरबियत बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, खासतौर से जिद वाली बात इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, तस्लीम का मादा हो। जैसे छोटे से बच्चे ने कह दिया कब्बा ठीक है जिबे कर दो मैं तैयार हूँ, और बल्कि ये आता है रिवायत में, ये आता है कि बच्चा आगे चल रहा है और अब्बा को नसीहत कर रहा है कि देखो जी छुरी तेज कर लेना कभी मैं तड़पने लगूँ, जरा जल्दी से काम हो जाए, ऐसी ऐसी नसीहतें हैं बताइए। वालिद को बच्चा नसीहत कर रहा है, तो बच्चा अगर ऐसा मुसलमान के बच्चे अगर इस तरह से हो जाए तो बड़ी खूबी की बात है, ये इनसे उम्मीद है कि दीन की खिदमत भी ये करेंगे। लेकिन बिगाड़ हम लोगों में ये है कि मुसलमान
कितना इनसे कहते रहो तवज्जो नहीं करते किसी बात। किसी कौम के बच्चे इतने बिगड़े हुए नहीं जितने हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। उसकी वजह यह कि हम उनको ऐसा ख्याल ही नहीं करते। अच्छा, इस्लाह मुआशरा के मौके पर बड़े बड़े अच्छे मुकर्रीन उलमा आते हैं, तकरीरें करते हैं और बहुत उम्दा बातें कहते हैं, तरबियत के सिलसिले में बड़े मनसूबेबंद तरीके से वो बयान करते हैं, लेकिन इधर सुन लिया उसके बाद में कुछ ध्यान नहीं लिया, भूल गया। तो ये बड़ी कमजोरी है। दूसरी कौमों के बच्चे जो जिस सोसाइटी के हैं वो तो उसी सोसाइटी में रखे, वो ही बनते हैं। हमारे बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मसला ये है कि हमारे बच्चे बने जो हम चाहते हैं वो बने, और वो जब ही चाहेंगे जब उनकी तरबियत का आप ख्याल रखेंगे। बगैर बच्चे की तरबियत के वो तो वो चाहेंगे जैसे वो जब बड़े हो गए। अच्छा, हमारे उस्ताद फरमाया करते, लकड़ी जब सूख जाती है तो फिर वो टूट तो जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। 15 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी से सारे काम करता है, वो माँ बाप की भी नहीं मानेगा, उस्ताद की भी नहीं मानेगा। नसीहत सुन तो लेगा, वो इतना तो करेगा लेकिन मानेगा नहीं। जो उसके जी नहीं आएगा वही करेगा। और यही सबसे बड़ी जो कमजोरी है मुसलमानों में, यही कमजोरी, फजूलियात में अपना वक्त ज़ाय करते हैं। हालांकि उम्र आदमी को बहुत महदूद मिली है, बहुत थोड़ी उम्र मिली है। अब वो ऐसे ही अगर निकल जाए उम्र, आज है फिर कल आया फिर परसों आया तरसों आया, यूँ गुजरती चली गई तो यूँ उम्र ख़त्म हो जाएगी, और जैसे आया था वैसे ही गया। तो फिर ज़िंदगी का यानी मकसद ही नहीं रहा। पैदा हुआ दुनिया में तो कुछ ना कुछ करना तो चाहिए, तो जैसे ही आया वैसे ही गया, उम्र गया। ऐसे तो जानवर भी पैदा होते हैं। इस वास्ते मुसलमानों की कमजोरी यह है कि अपने बच्चों को तरबियत नहीं है दीन पर। जब तक के सिरात मुस्तकीम पर माँ बाप वालदैन छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब नहीं चलेंगे, जब तक के मुआशरा हमारा सही नहीं होने का। सबको दीन पर चलना, दीन से बेहतर नुस्खा कहीं नहीं मिलेगा। दीन पे चलो, और दीन पे सिर्फ ये कि नमाज पढ़ ली आपने हो गया काम, ये कुछ नहीं। ये तो एक हिस्सा है दीन का। दीन तो तमाम जिंदगी के आदाब का नाम दीन है, आदाब जिंदगी का नाम दीन है। किस तरह से खाना हो, किस तरह से पहनना हो, किस तरह से चलना हो, कैसा कमाना हो, जायज तरीके से कमाना हो तो कमाने का क्या तरीका है, कैसी रोजी हो, ये सारी चीज़ें हैं। दुनिया में रहना है तो उसका जो तरीका है रहने का, जो दीन ने हमको सिखाया है उस तरीके पर चलने का नाम दीनदारी है। अल्लाह ताला हमको आपको बहरहाल सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेते हैं। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، اے اللہ ہماری سطا ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم رحمت کے مستحق ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنا فضل و کرم سے اے اللہ ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم خطا کوش ہیں، اے اللہ خطا کوش ہیں لیکن آپ خطا بخش ہیں خطا پوش ہیں، اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو دریا برد کر دے، سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم نفس کے پجاری ہیں، اے اللہ نفس کے تابع ہیں، اے اللہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں مگر نفس کے جال میں ہیں،
अल्लाह अगर तेरी तौफीक है शामिल हाल ना हो तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह दोनों जहां में बदनाम होंगे, दोनों जहां, दोनों दुनिया आखिरत दोनों हमारी ख़राब हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह अपना फजल व करम फरमा और अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह ठीक है इबादतों में कमज़ोर हैं, इताअतों में कमज़ोर हैं, तेरा जिक्र नहीं करते, नमाजों में कमज़ोर हैं। अल्लाह इबादतों में कमज़ोर हैं, दीनियात में कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह तेरा नाम लेते हैं, तेरा इकरार करते हैं। अल्लाह दिल में तेरी तस्दीक है, हमारी कमज़ोरियाँ बेशक है मगर नाम तो अल्लाह हम तेरा लेते हैं। अल्लाह हम गुनहगारों को, अल्लाह हम खतावारों को अल्लाह गले लगा ले। अल्लाह अल्लाह अपना फजल व करम फरमा हम पर। अल्लाह हम दीन पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तेरा दीन है इसका एहसास हमें है लेकिन हमसे कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह शैतानी ताकतें हैं, तागूती ताकतें हैं, अल्लाह वो दीन को मिटाने की कोशिश में है। अल्लाह उनको उनके इरादों में अल्लाह नाकाम फरमा दे। अल्लाह उनके इरादों को अल्लाह मुंतशिर कर दे। अल्लाह उनके इरादों को ख़त्म कर दे। अल्लाह अल्लाह दीन की मोहब्बत हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, हम सब्र भी नहीं कर सकते। अल्लाह सब्र की तौफीक नसीब फरमा दे और अल्लाह हमारा रोज़गार लगा दे। अल्लाह बेरोज़गारी में मुसलमान बहुत परेशान हैं। अल्लाह जिन्होंने दुआओं की कहा है कि हमारा रोज़गार नहीं लग रहा है, अल्लाह उनके हक में दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह कर्ज़दार लोग हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील फरमा दे। अल्लाह बीमार हैं बहुत सारे भाई, अल्लाह उनको शिफाए कुल्लिया नसीब फरमा दे। तंग हाल हैं, अल्लाह उनको खुशहाल बना दे। अल्लाह अल्लाह बेहाल परेशान, अल्लाह बहुत परेशान, बुरा हाल है उनका, अल्लाह उनको खुशहाल बना दे। तेरे ख़जाने में कमी नहीं है। अल्लाह अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को अपने हबीब पाक के सदक़े में तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।